काफी सारा क्लूज यहाँ पर आ चुके हैं। जोनाथन यहाँ पर बिल्कुल उनके बिल्डिंग पे, एंड एस पावर यहाँ पर मोंटी को डाउन करते हैं। एस पावर भी यहाँ पर ग्रेनेड से डाउन हो रहे हैं भाई। फुल वन टू वन ट्रेड यहाँ पर अभी के लिए चल रही है उस ग्रेनेड से। वो ग्रेनेड की ट्रेड यहाँ पर जो फुल वन टू वन की थी, एक और ग्रेनेड यहाँ पर डाला जा रही है। ये ग्रेनेड यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा एंड छत की तरफ पे ही यहाँ पर रह जाएगा। आगे की तरफ पे जोनाथन को पुश करना, नियो को भी यहाँ पर रेक्स की तरफ से डाउन किया जाता है। एंड रेक्स को अपर एंगल पे आके नियो का फिनिश कन्फर्म भी कर जाते हैं। ब्रू दैट इज नॉट गुड, बट गॉडल इनको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये फाइट निकालनी पड़ेगी। कॉस्मोड्रोम यहाँ पर इनके नाम पर लिखा है एंड इनके नाम के लिए ही बना रहना चाहिए, ये काफी ज्यादा जरूरी इनके लिए रहेगा। ये ग्रेनेड डाला जा रहा है, जोनाथन के ऊपर भी ग्रेनेड आता है लेकिन कनेक्शन जो है वो अभी बिल्कुल भी हमारे को देखने को नहीं मिल रहा। टीम नंबर 4 के प्लेयर्स अगेंस्ट टीम नंबर 17 यहाँ पर अभी क्लियर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गॉडल के एस पावर को रिवाइवल यहाँ पर मिल जाने वाला। मोंटी यहाँ पर एक ग्रेनेड डालते हैं, ग्रेनेड ओके ग्रेनेड नहीं था, एक यहाँ पर स्टन ग्रेनेड डाला गया था। अभी मोंटी का ग्रेनेड आता है, जोनाथन को उससे हल्का सा डैमेज पड़ता भी है। टीम नंबर 17 के प्लेयर्स यहाँ पर चारों प्लेयर लाइव है। मोंटी अभी यहाँ पर बैठे, जी गॉड वेटिंग फॉर द प्रोटेक्शन, लेकिन 1v1 की फाइट अभी यहाँ पर 1v4 की फाइट निकालनी है। ओके रेक्स को यहाँ पर डाउन किया एंड यहाँ पर अभी इनका भी देखते हैं। यहाँ पर एस पावर एक में जी गॉड जो दो प्लेस को ओके तीन प्लेस को एंड एक 1v4 जी गॉड ओपी, एक 1v4 डीबीएस के साथ में यहाँ पर कर देते हैं। टीम को सामने वाले को मौका भी नहीं दिया, एक गोली टच नहीं कर पाए एंड इजी चार फिनिशर्स इनके नाम पे। जोनाथन पहला फिनिश अपने लिए, दूसरा अपने जो है प्लेयर से कर सकते हैं। जी गॉड आगे की तरफ जा रहे हैं, अपने डीबीएस साथ में रहेगी इनके टीम में। कनेक्शन यहाँ पर हल्का सा देखने मिला लेकिन यहाँ पर नॉकआउट जो अभी तक देखने को किसी का भी नहीं मिल पाया। 5-0 जोनाथन वो दार्ड ग्रेनेड यहाँ पर आयुष को डाउन करेंगे एंड एक अर्ली हैंड अपर हैंड यहाँ पर बना चुकी टीम में। पूरे में आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, इस पावर को यहाँ पर डाउन कर, लेकिन ये ग्रेनेड से एक सी कवर के साथ में इस प्लेयर को डाउन करता है। लेकिन जी गॉड ऑल्सो गोज डाउन, जोनाथन विद द क्लच, कैन ही क्लच इट फॉर द टीम। 1v1 की फाइट फॉर द क्लच फॉर द टीम। एक फेक डीवीएस यहाँ पर ली गई एंड यहाँ पर इस प्लेयर को खत्म कर दिया जाता है जस्ट लाइक दैट। क्यों कंधे पे उठाने की ट्राई कर रहे थे आई डोंट अंडरस्टैंड, बट जोनाथन विद द 1v3 क्लच फॉर द टीम। यहाँ पर अपने लिए अपनी टीम के लिए 3 फिनिशेस सोलो निकालेंगे। जी गॉड को यहाँ पर मिडवेव के आतंकी को भी डाउन किया था। आगे तक कुछ करें, DL5 साहिल यहाँ पर बैठे हैं प्लेस कैन के वेट कर रहे हैं। 1v2 की फाइट रहने वाली है, टीम गॉडल वर्सेस टीम DL5 यहाँ पर। ये ब्लास्ट कर रहा भाई, जोनाथन गोज काफी ज्यादा लो एंड यहाँ पर साहिल जो है अभी ये भी ग्रेनेड से काफी ज्यादा लो होते हुए दिखाई दे रहा। आगे की तरफ पुश कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी खत्म किया एंड एस पावर अपनी टीम को दोबारा से एक और फिनिश सिक्योर करवाते हुए। जोनाथन अपने आपको ये दोबारा से हील करना चाहेंगे, नॉकआउट हुए वो बच गए ही, और सुपर लकी कि नॉकआउट नहीं हुए। बट एस पावर यहाँ पर जो है बिकले UFC जेब्रा, यहाँ पर थोड़ा सा इनको संभल कर खेलना पड़ेगा। 2v4 की फाइट, टीम गॉडल वर्सेस टीम नंबर 13 पाशा, वो भी क्ले शॉट लेता दिखाई देगा। जोनाथन दोबारा से अपने को ये, दे कैन गो फॉर द चिकन डिनर, दे कैन टेक द चिकन डिनर, आई बिलीव इन देम, आई नो यू गाइस आल्सो बिलीव इन देम एंड दीस गाइस कैन डेफिनेटली टेक द चिकन डिनर। टॉप 16 लाइफ, 12 प्लेस बचे, नाउ 11 प्लेस लाइफ। जिब्रान को यहाँ पर खत्म किया, एस पावर के पास में वो फिनिश आता है। 12वां फिनिश टीम गॉडल के खाते में यहाँ पर कन्फर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एस पावर विद सोलो 4 फिनिशेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे की तरफ पुश करते हुए 22 के ऊपर यहाँ पर पोशन जो है वो मरको करते हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रेनेड से माइक की डाउन हो सकते हैं, नहीं होते द ग्रेनेड की क्या ये सर्वाइव करेंगे। ये मोलोटोव यहाँ पर डाउन कर सकते हैं, पीछे की तरफ यहाँ पर प्लेयर आते हैं एंड यहाँ पर ये शॉट चौक किया एंड इसी के साथ में जोनाथन का डेथ फिनिश। अवनिश को यहाँ पर डाउन किया, एस पावर ने 13 फिनिशेज यहाँ पर इनके पास में आ चुके, टॉप 5 में एंटर ले चुके। जोनाथन अपने आप को हील करना काफी ज्यादा जरूरी है। एस पावर अपने लिए 14वां फिनिश भी कंफर्म करते हैं, फर्स्ट रेड लगानी काफी ज्यादा जरूरी एंड यहाँ पर 4 टॉप 4 टीम यहाँ पर ये फाइट ये काफी ज्यादा जरूरी है। एस पावर अब इनको यहाँ पर क्लच करना ही पड़ेगा। 1v2 की फाइट है, टीम नंबर 13 के 2 प्लेयर्स यहाँ पर है। एक प्लेयर कर रहे हैं जो हील बैटल कर रहे थे वो भी अब यहाँ पर जोन के अंदर आ रहे हैं, जोन के बाहर वो भी नॉकआउट हैं। द फाइट इज 1v1 फॉर द चिकन डिनर। यहाँ पर अगर इस प्लेयर को खत्म करते हैं, चिकन डिनर इनके नाम पे कंफर्म्ड है। 1v1v1 फॉर द चिकन डिनर, बिकॉज़ ओके नो 1v1v2 फॉर द चिकन डिनर। एस पावर गोज